हेलो 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 गाइस कैसे हैं आप सभी लोग भैया कैसे हो आप सभी लोग चलिए मैं फटाफट -फ़ड़ शेयर कर देता हूँ सबसे पहले हमारे लेक्चर्स को और 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 मैंने कर दिया इसको शेयर और अभी बच्चे जुड़ रहे हैं ग्रुप पे भी डाल देता हूं मैं फटाफट लो भैया जहाँ जहाँ मुझे डालना था जहाँ जहाँ मुझे शेयर करना था सारी जगह मैंने कर दिया है शेयर और अब आप लोग मुझे फटाफट -फड़ बताएंगे कि दोस्तों क्या ऑडियो वीडियो एवरीथिंग परफेक्ट क्लियर सारी चीज़ें सही है हम लोग मस्त हैं चंगा सर बहुत बढ़िया तो येस माय डियर स्टूडेंट्स माइसेल सी आदित्य शर्मा और आज हमारी सीरीज़ का चल रहा है डे थ्री ग्यारह तारीख है ग्यारह अगस्त और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री की बात तो दोस्तों मैं यहां पर थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा और मेरे उन प्यारे सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जिन्होंने अब तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आज मैं खास करके आपको आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा चंद मिनट लूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे जाऊंगा दोस्तों आइकॉनिक एक ऐसा प्रोग्राम है बहुत ही ब्रिलियंट प्रोग्राम अन आप लोगों के लिए लेकर आया जहाँ पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे लेकिन इसके साथ आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी मेंटर्स की यहां पर आपको सारे हार्ड कॉपी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ ऑल मिल जाएंगे बेटा यहां पर आपको पर्सनलाइज ट्रैकर मिलेगा एक डिस्कॉट चैनल मिलेगा और बेटा यहां पर आप आपकी लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर आपको एक मेंटर असाइन रहेगा मतलब एक तरह से कोच असाइन रहेगा बेटा देखिए अगर हमारे ओलंपिक में भी लोग गोल्ड लेकर आते हैं सिल्वर लेकर आते हैं ब्रॉन्स लेकर आते हैं तो उनके साथ एक कोच जरूर रहता है, है तो उसी तरीके से बेटा ये एग्जाम के रूल्स वगैरह सब तो हम आपको बता देते हैं पढ़ा तो हम देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी रहती है कोच की गाइडेंस तो बेटा यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कोच और मैं आपको बता देता हूँ आज के टाइम पे अन अकेडमी पर प्लस से ज्यादा आइकॉनिक के स्टूडेंट्स हो चुके हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट यस माइ डियर स्टूडेंट्स तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसमें एनरोल करिए जी तो मेरी कल से बैच स्टार्ट हो रही है आइकॉनिक की आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं प्लस वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं दोस्तों ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है सी एस्पिरेंट्स का ये बेस्ट प्रोग्राम है टिल डेट यहाँ पर आपको मिलेंगे पर्सनलाइज कोच प्रिंटेड नो फ्री टेस्ट सीरीज डिस्कॉर्ड चैनल और एक्सपर्ट्स के साथ सेशन ये पांच बेनिफिट आपको मिलेंगे आइकॉनिक में एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स दिस इज समथिंग रियली 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 अमेजिंग फॉर यू प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट रिजल्ट ऑल यू नीड टू डू is टेक का सब्सक्रिप्शन आप इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं फाउंडेशन का आप सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी एट थाउजेंड प्लस इस पर आपको मिल जाएगा टेन परसेंट और ऑफ अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सी ए डी आई टी वाई ए टेन अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं सी ए आदित्य टेन या फिर मेरा एक और कोड है बेटा सी ए डी आई टी वाई ए <coughs> सी आदित्य लाइव तो बेटा आपको सीधा टेन परसेंट ऑफ भी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे नहीं बेटा 845 वाली क्लास तो कल खत्म कर चुके हैं हम अब आप लोगों की कल से इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस स्टार्ट होने वाला है अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का तो दोस्तों आप लोगों के लिए ट्वेंटी फोर मंथ का प्लान सबसे बेस्ट है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड में बेटा दिस इज नेग्लिजिबल फीसइल है और इस पर भी आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा प्लस हार्ड कॉपी मटेरियल ठीक है ये वन टाइम फीस है आपकी और बेनिफिट आप लोगों को लाइफ टाइम मिलेंगे दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आई कैन से ठीक है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने एक सेकंड ना बच चलो हाय yes. सर uh, क्या आप कल वाले भी रिवाइज की बात करते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट्स के फॉर्मेट में दे ही रहा हूं मैं क्या आप सभी लोगों ने कल मेरा शॉर्ट्स देखा यूट्यूब देखा क्या आपने एशियन पेंट का देखा मेरा बेटा मैंने एक मिनट में एशियन पेंट के बारे में आपको पूरा बता दिया था उसके अंदर आई होप आपने देखा होगा जी क्या बोल रहे हैं सर सर जिनका इनको कंप्लीट हुआ है वो आगे कैसे स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में आपको गाइडेंस के लिए एक अलग वीडियो मिल जाएगा ठीक है बेटा गाइडेंस वीडियो का भी आपको यूट्यूब शॉर्ट्स मिलेंगे रोज आपको दो शॉर्ट्स मिलते हैं यूट्यूब के आप उस पर देख सकते हैं चलिए बेटा मैंने कल आप लोगों को दस कंपनीज कंप्लीट करवा दी थी आज हम आगे अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज हम एक बहुत बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिपला हाँ बेटा इसी चैनल पर डाला है नहीं सर मुझे नहीं मिला बेटा आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया नहीं है इस चैनल को अगर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे आप वीडियोस देखिए बेटा इसी चैनल पे सबसे ट्रेंडिंग वीडियोस में मेरे ही आ रहे हैं अभी तो तो आप आराम से देखिए इस चैनल पे ठीक है इसी चैनल पे होते हैं बेटा तो चलिए बेटा हम अगली कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं आज सिप्ला बेटा सिप्ला के बारे में आप सभी जानते हो बड़ी कंपनी है बेटा सिप्ला कंपनी कंपनी इज इज ह्यूज इट ह्यूमंगस बहुत पुरानी है और इसका स्लोगन है केयरिंग फॉर लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ड्रग बनाती है बल्क में ड्रग मैन्युफैक्चर करती है और भी इस कंपनी के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ेंगे सिप्ला स्टार्ट हुई थी बेटा 1935 में कहां पर मुंबई में बेटा इसके फाउंडर कौन है ख्वाजा अब्दुल हेमद और इनके चेयरमैन कौन है वाई के हेमद एम डी कौन है बेटा उमंग सीएफओ सी है केदार उपाध्याय और स्लोगन क्या है केयरिंग फॉर लाइफ ठीक है तो 1935 मुंबई के अंदर ख्वाजा जी ने ये कंपनी स्टार्ट करी है वाई के हेमद उमंग वोरा और केदार उपाध्याय बात समझ में आ रही है आपको हेलो बेटा सर एग्जाम गाइडेंस पे एक वीडियो बेटा बहुत समय अभी एग्जाम को एग्जाम को काफी टाइम बाकी है अभी तो कोई जल्दी नहीं है एग्जाम को यहाँ से चार महीना बाकी है आराम से कर लेंगे अभी तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करो तो बेटा 1935 में मुंबई के अंदर ख्वाजा अब्दुल हैमिद ने कंपनी स्टार्ट करी चेयरमैन आज इनके हैं वाई के हेमद एम और सी हैं उमंग वोरा और केदार उपाध्याय सी एफ ओ हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं बेटा इस कंपनी के बारे में इट इज लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन इन इंडिया अबाउट 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन मोर देन 60 सिक्सटी कैटेगरी तो बेटा सात से ज्यादा मेडिकल कैटेगरीज में 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट बना चुके हैं ऑल्सो मैन्युफैक्चर बल्क ड्रग एनिमल प्रोडक्ट देन एग्रोकेमिकल्स डेढ़ सौ कंट्री से ज्यादा इनका ऑपरेशन है इन नाइनटीन अप्रूव द कंपनीज बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिप्ला इज डेवलप गुड पॉजिटिव इमेज बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कैंसर पेशेंट याद रखना सिप्ला ने कैंसर पेशेंट के लिए बहुत काम किया सी फॉर सिप्ला सी फॉर कैंसर मैन्युफैक्चर ऑफ मोर देन टू हंड्रेड जेनरिक एंड कॉम्पलेक्स एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास बेटा ये सब मेडिकल टर्म्स है सिप्ला वॉस फाउंडेड एस सिप्ला का फुल फॉर्म देखो केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी वर्ल्ड लार्जेस्ट एंट्री रिट्रोवियल ड्रग ये मार्क करके रखिए एंट्री रिट्रोवियल ड्रग बेटा ये पेज नंबर वन पॉइंट सिक्स है हमारी बुक का एंट्री रिट्रोवियल ड्रग का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फिर इसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही आपको बता रहा हूं मेडिटैप स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ कंपनी एक्वाय सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक इन मैप फार्म इन्होंने मैप फार्म को एक्वायर किया सिप्ला लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड इन अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन अ नोवल एंड पेटेंट एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट एलोवेरस एलोरि एलोरीज फ्रॉम वीनस रेमेडीज लिमिटेड वी आर एल बेटा इनके जो फाउंडर हैं यूसुफ अहमद हैज बीन मेड अ ऑनररी फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस बॉडी विजन क्या है बेटा इनको ग्लोबल बायोटेक कंपनी है मिशन क्या है टू बी लीडिंग ग्लोबल हेल्थ एंड केयर पेशेंट विच यूज टेक एंड इनोवेटिव टू मीट एवरी डे नीड ऑफ द पेशेंट आई एम गुड बेटा विभा तो बेटा यहाँ पर याद करने के लिए बहुत सारे पॉइंट दे रखे पर मैं आपको बता दो तो याद क्या रखना है बेटा कंपनी 1935 मुंबई में फॉर्म हुई किसने करिए ख्वाजा अब्दुल अहमद ने फिर बेटा इनके चेयरमैन यूसुफ अहमद वाई के अहमद ये चेयरमैन भी हैं और बेटा ये एक प्रेस्टीजियस बॉडी के ऑनरे फेलो भी हैं फिर बेटा एम और सी कौन है उमंग वोरा सी कौन है केदार उपाध्याय और स्लोगन क्या है केयरिंग फॉर लाइफ ठीक है अब आपके मन में सवाल आएगा सर इसको याद कैसे करना ठीक है अब आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे करना मैं बोलता बहुत सिंपल है बेटा 1935 और मुंबई ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो एक बार की बात है बेटा वाई के हेमिद नाम का एक व्यक्ति बीमार हो गया तो वो सीधा ख्वाजा के दर पर गया और वो ठीक हो गया बेटा सिप्ला कंपनी ठीक करती है लोगों को तो बेटा 1935 में वाई के अहमद नाम का एक आदमी बीमार पड़ गया और वो चला गया ख्वाजा के दर पर दर पर यानी दरवाजे पर ठीक है ख्वाजा क्या करते हैं केयरिंग फॉर लाइफ लाइफ सबकी की, की केयर करते हैं जैसे ही उसने सिपला की दवाई खाई उसके मन में उमंग भर गई बात समझ में आई तो कितना सिंपल है 1935 मुंबई के अंदर वाई के अहमद नाम का एक आदमी बीमार पड़ गया ठीक है वो ख्वाजा के दर पर गया और जैसे बेटा ख्वाजा के दर पर गया दर मतलब केदार बेटा उसको बोला ख्वाजा क्या करते हैं केयरिंग फॉर लाइफ करते हैं तो उनको सिप्ला की दवाई दे दी और उसके मन में उमंग आ गई एकदम ऑफ एंटीट्रोवियल ड्रग है ये आपको एक मार्क करना है और दूसरा सिप्ला केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट है और वी आर एल को अक्वायर किया ये इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसको लार्जेस्ट बायोटेक कंपनी बनना है बाय 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव याद रख लीजिए क्या कोड बना है चाहे तो आप लिख लो बेटा चाहे तो आप लिख लो नहीं तो यूट्यूब के शॉर्ट्स आते रहेंगे शॉर्ट्स देखते रहा करो बेटा बाकी सारी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है कैंसर पेशेंट को डील करता है देन इसके पास मैपार्म को एक्वायर किया वी को एक्वायर किया लार्जेस्ट एंटीड्रोवियल ड्रग इसके पास है गेटिंग माई पॉइंट डन चलो ये बेस्ट सा बन गया आज अपन इसका शॉर्ट भी बना देंगे अब बेटा फिर डॉक्टर रेड्डी के पास जाते हैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज बेटा कंपनी काफी लेट फॉर्म हुई 1984 में आई रेड्डी लोग कहां होते हैं बेटा रेड्डी लोग किधर होते हैं हैदराबाद में इनके चेयरमैन कौन है कल्लम सतीश रेड्डी सीईओ कौन है एजेक इजराइली और सी एफ ओ कौन है पराग अग्रवाल ठीक है पराग अग्रवाल सर इलेवेंथ पॉइंट में फाउंडर क्यों लिखा है यूसुफ अहमद को ये कट कर दो बेटा वाई के अहमद ये कट कर दो आई मेक करेक्शन इन बुक एज वेल थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट सर मैंने वीडियो को लाइक कर दिया है शाबाश शाबाश मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा डॉक्टर रेड्डी के बारे में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लेट फॉर्म नाइनटीन एटी फोर रेड्डी लोग किधर रहते हैं हैदराबाद इनके चेयरमैन कौन है सतीश कल्लम रेड कल्लम सतीश रेड्डी सीओ कौन है इजैक इजराइली और सी एफ ओ कौन है पराग अग्रवाल ठीक है आगे कंपनी हैज ओवर वन नाइनटी मेडिकेशन सिक्सटी एपीआई काम का नहीं है आपके ये इंपॉर्टेंट है थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी आफ्टर रेनबेक्सी ग्लैक्सो बेटा सबसे बड़ी रेनबेक्सी उसके बाद ग्लैक्सो और उसके बाद आती है आपकी डॉक्टर रेड्डी मैं आपको एक बात बता दूं बेटा रेनबेक्सी कंपनी बंद हो गई है पे पे बैन बैन लग लग चुका है। लग चुका है है उसके पीछे स्टोरी है मेरे जीजू इस स्टोरी को जानते थे क्योंकि मेरे जीजू बहुत क्लोजली ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में बता रहे थे मुझे फिर बेटा एक्वायर्ड अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया ये इंपॉर्टेंट है एंटर इंटू डेफिनेटिव एग्रीमेंट विथ वो कार्ट लिमिटेड वर्थ अठारह सो पचास करोड़ तो वो कार्ट एक और कंपनी है फार्मा कंपनी है इसके साथ ये अग्रीमेंट में आया अठारह सो पचास करोड़ तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी पहले पे रेनबैक्स दूसरा ग्लेक्सो फिर एंटी रेमेडीज लिमिटेड अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन्होंने अक्वायर करी और वोकार्ड के साथ एक अग्रीमेंट में गए इन अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन एंटर्ड इंटू एन एग्रीमेंट टू अक्वायड पोर्टफोलियो ऑफ फोर्टी टू अप्रूव नॉन मार्केटेड एब्रीवेटेड न्यू ड्रग्स दैट इज अंडा ए एन डी ए एस अप्रूव्ड एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन अंडास इन यू एस वैल्यूइंग सिक्स फोर्टी फाइव मिलियन फॉर द कैलेंडर ईयर एंडिंग दो हजार अठारह तो बेटा इसको याद करने का तरीका क्या है देखो नाइनटीन एटी फोर के अंदर हैदराबाद के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई बेटा इसके चेयरमैन कौन है डॉक्टर रेड्डी के चेयरमैन कौन होंगे रेड्डी साहब ही होंगे तो कल्लम सतीश रेड्डी बेटा क्या हुआ इन लोगों ने ना इजैक इजराइली ने अंडा खा लिया देखो ना इजैक इजराइली ने अंडा खा लिया तो इसके कारण पराग को गुस्सा आ गया राग राग मतलब गुस्सा होता है ना ऐसे याद रखना बेटा क्या हुआ 1984 हैदराबाद में कल्लम सतीश रेड्डी के रेस्टोरेंट में इजैक इसराइली ने अंडा खा लिया उसके कारण एक मारवाड़ी आदमी अग्रवाल को राग आ गया तो पराग कितना सिंपल है बेटा काफी सही है बेटा याद हो गया 1984 में भैया हैदराबाद के अंदर कल्लम सतीश रेड्डी जी के होटल में इजैक इसराइली ने तीन अंडे खा लिए ऐसे याद रखो तीन अंडा खा लिया तीन क्या सर थर्ड लार्जेस्ट ठीक है इसके कारण इजैक इसराइल ने तीन अंडे खा लिए इसलिए अगरवाल ये कोई मारवाड़ी आदमी इसको राग यानी गुस्सा आ गया पराग को गुस्सा आ गया रेनबेक्सी का कुछ ऐसे ड्रग्स थे बेटा जो यूएस में अप्रूव नहीं हो पाए उनके स्टैंडर्ड्स लो थे और उसके कारण आ, कुछ ये एफिकसी बोलते स्ट्रांग नहीं थी यूएस में अप्रूव करवाने गए थे तो वहां से बैकफायर हो गया उसके ऊपर तो याद हो गया बेटा 1984 हैदराबाद के रेड्डी साहब के रेस्टोरेंट में तीन अंडे खाए किसने इजैक इजरायली ने तो पराग को राग आ गया पराग अग्रवाल को राग आ गया खत्म ठीक है इन्होंने वो कार्ड के साथ एक अग्रीमेंट किया है और अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड ये याद रखना है आपको चलो आई एम आल्सो मारवाड़ी देखो देखो मैं आपको सारी कंपनी का कुछ ना कुछ ऑन स्पॉट बना के दे रहा हूं आई स्वेर मेरे को

हाँ आयुष ये तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी नहीं भूल सकता सर कोई सर योर वे ऑफ टीचिंग इज़ टू गुड थैंक यू प्रतीक राठी जी आइए सर हमने दो फार्मा कंपनी कंप्लीट कर ली है सिप्ला के बारे में बहुत कुछ है रेड्डी साहब के बारे में कुछ नहीं है बस देखना बेटा रेड्डी साहब की किधर हैदराबाद में हैदराबाद में तीन अंडे आए इजैक इसराइली ने खा लिया तो भैया हमारे सीएफओ को गुस्सा आ गया राग आ गया इसलिए उनका नाम है पराग कहना क्या चाहते हो वही बात में क्या कहना चाहते हो तो देखो बेटा कितनी फटाफट -फड़ दो कंपनी निपटा दी आज मैं आपको मेरी वन ऑफ फेवरेट कंपनी के बारे में बता रहा हूं बहुत पसंद दस को एक कंपनी दिल से पसंद है दैट इज विप्रो विप्रो के बारे में पढ़ेंगे मैं चाहता हूं यहां पर आपको कोई चीज याद रहे ना रहे पर आपको यह कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी है ठीक है तो भैया विप्रो लिमिटेड विप्रो का पहले फुल फॉर्म सुन लो इसका पहले नाम क्या था वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड रिफाइंड ऑयल ऑयल लिमिटेड लिमिटेड वेस्टर्न इंडिया पाम फॉर्म कब रिफाइन लिमिटेडक्टर बैंगलोर में वैसे इसकी शुरुआत बैंगलोर में नहीं हुई थी आज आईटी कंपनी बन गई है इसलिए बैंगलोर में हेडक्वार्टर है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के एक छोटे गांव अमलनेर में हुई थी इसको फॉर्म किया था मोहम्मद जी प्रेम जी ने फिर इनके सी एम डी रिशाद प्रेम जी है, सीईओ कौन है थेरी थे और सी एफ ओ कौन है जतिन दलाल ओ माय गॉड तुमको मैं चीख चीख के नहीं बोलता था क्या हमारी क्लास के जतिन सर जो हैं वो इतने अमीर हैं इतने अमीर हैं कि भैया उनका नाम सी एफ ओ है देखो कंपनी का फाइनेंस संभाल रहे हैं जतिन साहब इस कंपनी का फाइनेंस संभाल रहे अब बोलो सर पराग अग्रवाल मेरा भाई पर वो गुस्सेल है अरे भाई थारा भाई थारा भाई था आदित्य बोलता कि भैया देखो जतिन साहब के पास पैसे हैं कि नहीं यहां पर दिख रहे जतिन सर के पास विप्रो का पूरा कारोबार है तो चलिए खैर अपन इसको याद कर लेंगे बेटा विप्रो का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर में आज ये कंपनी आईटी कंपनी बन गई है इसलिए बैंगलोर में हेडक्वार्टर है शुरुआत अजीम जी प्रेम जी ने सॉरी मोहम्मद प्रेम जी ने करी थी इनके सीएमडी हैं है रिशाद प्रेम जी इनके सीईओ है थेरी दलापोर्ते और सीएफओ कौन है जतिन दलाल ठीक है बेटा आज के टाइम पे विप्रो लिमिटेड इज अ ग्लोबल आईटी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग कंपनी 175 सिटीज और सिक्स कॉन्टिनेंट्स इनके मेजर इंपॉर्टेंट ब्रांड कौन से किसान सनफ्लावर कैमल ये याद रखना किसान का जो तुम केचप चाट-चाट के खाते हो ऐसा हो ही नहीं का है सनफ्लावर ब्रांड इन्हीं का है कैमल ब्रांड इन्हीं का है लेकिन अब ये टोटली totally उतर चुके हैं आईटी में रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी फॉर 2019 बेटा विप्रो विप्रो ने सबसे ज्यादा काम एआई में करना चालू कर दिया इन 2019 30 करोड़ इक्विटी ये किसी काम का नहीं है इनका विजन इंपॉर्टेंट है टू बी अमो टॉप टेन ग्लोबल एंड बीपीओ इनको क्या आना है टॉप टेन में आना है। थेरी मौज कर दी उन्हें बताना पड़ेगा कि उनकी पोल खुल गई और बेटा जतिन सर हमेशा टॉप टेन में रहते हैं इसीलिए देखो इनका भी विजन क्या टॉप टेन में रहना है देखो कितने अच्छे से मैंने दिला दिया आप लोगों को भैया विप्रो वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड 1945 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर में आज के है, इसलिए बैंगलोर में शिफ्ट हो गया फॉर्म किसने किया मोहम्मद जी प्रेम जी सी कौन है विषाद प्रेम जी सीईओ कौन है, थेरी है। सी कौन है बेटा जतिन दलाल सर का क्या एम रहता है हमेशा टॉप टेन में रहना कंपनी का भी वही विजन है ठीक है इनके मेजर ब्रांड कौन से किसान सनफ्लावर कैमल इनका नामकरण में नामकरण में बहुत गड़बड़ी होगी सर ये सब याद करना होगा बेटा कल मैंने आपको बात बताई सुकैना जहिर कि याद नहीं करना पड़ता है ये याद नहीं करना पड़ता है बेटा आप लोगों को आप सुन लो हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि सारी चीजें प्रोसेस कर सकता है अब अगर आप इस क्लास में सिर्फ सुनने के इंटेंशन से बैठे हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप इसको रटने के इंटेंशन से बैठे हो ना तो फिर आप खोदोगे सारी चीजें सर सच्ची वही है क्या क्या सच्ची वही है क्या मतलब सच्ची सच्ची क्या सच्ची सच्ची अरे क्या सच्ची बेटा वही है तो थैरी तपर तैयार विप्रो को अचानक क्या सूझा कि आई टी बन गया अचानक नहीं सूझा बेटा कब से है वो आई टी कंपनी अभी मेनली आई टी रह गई है अच्छा अरे नहीं रे बाबा वो अपने जतिन डिमला है ये जतिन दलाल है अरे क्या रे बाबा सर इसका सब स्टोरी की तरह समझाओ अपने आप याद हो जाएगा अच्छा इसकी कोई स्टोरी बनाई जाए ठीक है चलो कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं बेटा ठीक है गारंटी नहीं देता पर कोशिश करते हैं ट्राई करते हैं बेटा थैरी सर जी राखी आ रहा है इल्लू इज वेटिंग लेटर वेट इफ इल्लू इज वेटिंग लेटर वेट ठीक है अरे बहुत अच्छी डेवलप कंपनी है बेटा थेरी ना एक किसान की बच्ची थी बेटा ठीक है थेरी किसान की बेटी थेरी थी ठीक है बेटा उसको प्रेम था थेरी एक किसान की बच्ची थी जिसे प्रेम था एक व्यक्ति जिसका ऊट का कारोबार था जतिन से ठीक है और इसने पहली मुलाकात में ही उसको सनफ्लावर दे दिया ठीक है? तो बेटा किसान की बेटी थेरी को प्रेम था कैमल चलाने वाले जतिन से किसान की बेटी थेरी को प्रेम था कैमल चलाने वाले जतिन से तो उसने उसे सनफ्लावर दे दिया तो बेटा किसान ब्रांड कैमल ब्रांड और सनफ्लावर ब्रांड मोहम्मद प्रेम जी रिशाद प्रेम जी जतिन दलाल और थैरी ठीक है और ये सब इनको प्रेम कहां पर हुआ बेटा वेस्ट में प्रेम हुआ हम्म, hmm, और क्या वर्ड डालना है अच्छा ये है अमलनेर बेंगलोर बेटा अमलनेर के किसान की बेटी थेरी को प्रेम था बैंगलोर के कैमल चलाने वाले जतिन से तो इन्होंने अपना प्यार का इजहार कैमल क्या कैमल देके नहीं किया सनफ्लावर देके किया ठीक है तो चलो अब हमने इस स्टोरी को पूरा मॉडिफाई कर दिया बेटा अमलनेर में किसान की बेटी थेरी को प्रेम था किससे बेंगलोर के कैमल चलाने वाले जतिन से तो इन्होंने प्रेम का इजहार कैसे किया बेटा इन्होंने प्रेम का इजहार सनफ्लावर देके किया मैं आपका स्टूडेंट हूं सर हेलो बेटा कॉमर्स इज आर्ट्स एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी अच्छा ठीक है याद रखना याद हो गई विप्रो चलो बेटा बढ़ते आगे खत्म सर विप्रो खत्म तो ये देखो बैंगलोर प्रेम प्रेम थेरी जतिन अमलनेर किसान सनफ्लावर कैमल बैंगलोर सब आ गया बेटा इसमें ठीक है तो, ओके बढ़िया जी बढ़िया तो जब इसके शॉर्ट्स आएंगे ना तब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अब इस इस वीडियो का अपन टाइटल क्या डालेंगे थैरी को जतिन से प्यार था हाँ, अमलनेर में एक छोटे से गांव अमलनेर में किसान की बच्ची थैरी को प्रेम था किससे बेंगलोर के कैमल चलाने वाले जतिन से तो उसने उसको फूल दे दिया चलिए अब बात करते बेटा एक और गजब की कंपनी के बारे में आज के लिए हमारा सेकेंड लास्ट कंपनी इन्फी दैट इज इन्फोसिस बेटा इन्फोसिस का पहले नाम क्या था इन्फोसिस कंसल्टेंट्स लिमिटेड इन्फोसिस कंसल्टेंट कंसल्टेंसी में थे ये कंपनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर इसकी उपलब्धियों के बारे में आप हैरान हो अगेन आई टी कंपनी तो बैंगलोर में बेटा इसके सात फाउंडर थे। आपने इन सब के बारे में सुना ही होगा नारायण मूर्ति के बारे में सुना होगा नंदन नीलेकणी आधार कार्ड वाले एन एस राघवन गोपाल कृष्णन एस टी शिबुलाल के दिनेश एंड अशोक अरोरा आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम पटनी कंप्यूटर सिस्टम तो बेटा ये पहले काम करते थे पटनी कंप्यूटर सिस्टम में अब मैं आपको बताता हूं यहां पर नारायण मूर्ति के बारे में नारायण मूर्ति एक छोटे से आदमी कद वाइज मतलब हाइट वाइज छोटे से पतले से आदमी कम बोलने वाले और मूर्ति उनकी वाइफ उतनी ज्यादा एक्टिव प्रोएक्टिव तो सुधा मूर्ति ने अपने गहने वगैरह बेचे थे क्योंकि नारायण मूर्ति को कंपनी स्टार्ट करनी थी और सुधा मूर्ति उस समय काम करती थी टाटा में तो बेटा इन्फोसिस की स्थापना हुई 1981 में कहाँ पर बैंगलोर में सात लोगों ने पटनी कंप्यूटर्स में से रिजाइन किया नंदन नीलेकनी नारायण मूर्ति एन एस राघवन गोपाल कृष्णन एस डी शिबुलाल के दिनेश अशोक अरोरा आज इनके चेयरमैन कौन है नंदन नीलेकनी याद रखना एम कौन है सलील पारेख और सी कौन है निलंजन रॉय तो यहां पर नाम बहुत है जतिन सर को मैं दिखा दूंगा मैं बनाता हूं एक बार फिर जतिन सर को दिखाता हूं ठीक है तो बेटा निलंजन रॉय सलील पारेख और नंदन नीलेकणी ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको चलिए पढ़ते है इसके बारे में वैसे कुछ खास नहीं है सब में टॉप है बेटा ये कंपनी इट इज द ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विस इसके पास 1045 क्लाइंट है 50 कंट्रीज से ज्यादा इट 85 सेल्स मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी 1992 में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि भैया इन्होंने ऐसा क्या बैंकिंग के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप किया तो फिनेकल तो फिनेकल विच इज यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन विथ वेरियस मॉड्यूल फॉर रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग बेटा जितने भी बैंक वाले जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फिनेकल वो किसने बना रखा है इन्फोसिस ने इन्होंने ब्लू एकॉर्न आईसीआई और गाइड विजन को किया फिर बेटा 2019 में इसको एक अवार्ड मिला ये अवार्ड हमारे काम का नहीं है फिर ये भी हमारे काम का नहीं है या फिर ये याद रख लो टॉप एम्प्लॉयर थे 2020 में कोविड के टाइम पर भी टॉप एम्प्लॉयर इसलिए भी मेरे को कंपनी पसंद है बेटा इनके सॉफ्टवेयर देखो कौन से हैं माना स्कावा एडवर्ज एजवर्व सॉरी फिनेकल पनाया इंफोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म ये सब इनके है? माना स्कावा पनाया फिनेकल एजवर्व देन फिनेकल ये सब इन्हीं के हैं स्टोरी सब याद हो जाएगी पर कौन सी स्टोरी किस में है कंफ्यूजन होगा धीरे धीरे नहीं होगा बेटा मैंने आपको बताया ना कल हमने क्वेश्चन करे क्या कंफ्यूजन हुआ उसके अंदर नहीं होता है ऐसे आप कैसे FM। बेटा मैं FM, इको जो पढ़ाता हूं मैंने उसकी बैच आज ही चालू करी है आप अन अकेडमी पर देख सकते हो बेटा तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर भी आप मुझसे पढ़ सकते हो आई विल बी हैप्पी टू टीच यू सर सी एफ ओ चेंज हो गया नीचे है येल्लो में अच्छा सीएफओ चेंज हो गया बेटा सॉरी देखो ये तो हमको भी याद नहीं रहते संदीप कुमार गुप्ता सीएफओ इसके संदीप कुमार गुप्ता हाँ ठीक है ठीक है बदल दिया बेटा मैंने बदल दिया बदल दिया हा ये बदलते रहते हैं इसलिए इशू है इसका विजन क्या है टू बी ग्लोबली रिस्पेक्टेड कोऑपरेशन दैट प्रोवाइड बेस्ट ऑफ ब्रीड बिजनेस सॉल्यूशन फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग द बेस्ट इन क्लास पीपल मिशन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव इन एन इनवॉमेंट ऑफ फेयरनेस ऑनेस्टी कर्टसी टू क्लाइंट इंप्लॉय वेंडर एंड सोसाइटी मिशन इंपॉर्टेंट है इसका बेटा ये बोलते हैं फेयरनेस ऑनेस्टी एंड कर्टसी इनको चाहिए गुरप्रीत सचदेवा अच्छा चलो सर चेंज हुआ वो कहाँ मिलेगा मैंने कल आपको बता दिया था आई का रेफरेंस मटेरियल आता है वहाँ से मिल जाता है चलिए मैं इसको याद करवाता हूँ इसको याद करना मुश्किल है बेटा कुछ नाम आपको पता होने चाहिए जैसे 1981 में बैंगलोर में फॉर्म हुआ नंदन नीलेकणी है इसके अंदर नारायण मूर्ति हैं एन एस राघवन है, है गोपाल कृष्ण ने शिबूलाल है दिनेश हैं और अरोरा जी हैं अशोक अरोरा जी हैं पटनी कंप्यूटर से रिजाइन करा नंदन नीलेकनी आज इसके चेयरमैन हैं ठीक है बेटा इसके एम डी कौन है सलील पारेख सी कौन है इनके संदीप कुमार गुप्ता और इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इनका कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो बैंक वाले यूज़ करते हैं दैट इज फिनेकल प्रोडक्ट के नाम आपको समझ में आ जाएंगे पनाया स्कावा फिनेकल एजव एक्सेट्रा और इनको क्या चाहिए बेटा कर्टसी चाहिए ठीक है कर्टसी चाहिए बेटा मैं देखो सब्सक्रिप्शन लेना मतलब तुम या तो मुझे फीस पे करो आठ दस हज़ार रुपये फीस पे करो या तीन महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो उसमें पढ़ लो कॉस्टिंग देख लो बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ लो तो बात एक ही है ना बेटा तुम मेरे एक सब्जेक्ट के लिए फीस पे करो या उसी को सब्सक्रिप्शन का नाम दो तुम्हारी इच्छा लेकिन है तो वही ठीक है तो चलिए जी बेटा मैंने आपको एक कंपनी याद दिला दी है बिलीव मी ट्रस्ट मी आपको ये याद रहेगा कोई तकलीफ नहीं जाने वाली मुझे पता है आइए अब हम लास्ट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं ठीक है आज मैं आपको पढ़ा देता हूं क्या करते हैं इंडियन कंपनी पढ़े या फॉरन कंपनी पढ़े देखो अपने डॉक्टर रेड्डी पढ़ लिया सिप्ला पढ़ लिया डॉक्टर रेड्डी हो गया सिप्ला हो गया विप्रो हो गया इन्फोसिस हो गया अब बोलो और कौन सी कंपनी पढ़े आपको मैं ऑप्शन देता हूं या तो अपन टाटा पढ़ सकते हैं रिलायंस पढ़ सकते हैं एप्पल पढ़ सकते हैं एप्पल पढ़ लेते हैं ठीक है चलिए अपन एप्पल पढ़ लेते हैं आइए आज की लास्ट कंपनी मेरे काम करते हैं आज अपन दो कंपनी करते हैं अपन एप्पल भी पढ़ लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट भी पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले अपन एप्पल के बारे में बात करेंगे बेटा एप्पल की शुरुआत हुई थी 1977 में कहां पर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी स्टीव जॉब्स की अपन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लेते हैं बिल्कुल अपोजिट है ना बेटा एप्पल का ऑपरेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग दोनों अलग अलग है पढ़ लेते हैं तो बेटा एप्पल की शुरुआत हुई थी नाइनटीन में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसको किसने फॉर्म किया था पता है स्टीव जॉब्स स्टीव वजनेक एंड रोनल्ड वेन बेटा इसके सीईओ कौन है टिम कुक और सीएफओ कौन है लुका मिस्त्री सीईओ कौन है टिम कुक और सीएफओ कौन है लुका मिस्त्री खाया हुआ एप्पल हाँ बेटा खाया हुआ एप्पल ठीक है इसको भी याद दिला दूंगा मैं आपको तो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं बेटा एप्पल एप्पल का पहले नाम क्या था एप्पल कंप्यूटर्स आई याद रखिएगा बेटा आज के टाइम पे इससे पहले आई एन सी होता था एप्पल कंप्यूटर आई एनसीन सेवेंटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स स्टीव जॉब्स स्टीव एंड रोनल्ड बेन सीईओ कौन है टिम कोक और सीएफओ कौन है लुका मिस्ट्री इसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर्च्यून 500 में फोर्थ रैंकिंग है इसकी और बेस्ट इंप्लॉयर में फोर्थ रैंकिंग याद रखिएगा इसकी रैंकिंग फोर है ठीक है हमारी पुरानी बुक में कुछ और रैंकिंग रहेगी यहां पर रैंकिंग कुछ और है चलो इसका काम किया आई ट्यून वगैरह एप्पल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू तो बेटा रेवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी यही है लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी यहां पर देखना एप्पल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आई टी टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू रेवेन्यू के हिसाब से सबसे बड़ी आई टी कंपनी यह है आई टी कंपनी बेटा वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाई अट भी सबसे ज्यादा है रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा है और वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे मोबाइल बनाती है तो बेटा नंबर वन बाय रेवेन्यू नंबर वन बाय असेट वन प्लस वन हो गया टू तो भैया सेकेंड नंबर की कंपनी बन गई सैमसंग के बाद इसका सबसे ज़्यादा म्यूजिक बिकता है आई के ऊपर इसने शज़ाम ऐप को अक्वायर किया शज़ाम हैज़ बीन डाउनलोडेड ओवर वन बिलियन टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड एंड द यूजर यूजर से ट्वेंटी मिलियन टाइम मतलब करीब करीब दो करोड़ बार यूज होता है शज़ाम ऐप डेली तो भैया भयंकर भा, भा, आसान है बिटाइए तैयार हैं आप लोग चलो इसके बारे में भी कुछ बनाते हैं अपन ठीक है चलिए इसके बारे में बन गया सर आज थर्ड लेक्चर में इस चैप्टर में पूरा इंटरेस्ट आया अब सुनना बेटा बेटा एप्पल आईएनसी के बारे में देखते हैं पुराना नाम है पुरा ना एप्पल कंप्यूटर आईएनसी 1977 कैलिफोर्निया नाम याद रखेंगे बेटा आपको स्टीव जॉब्स तो याद है स्टीव वुजनेक और रोनल्ड वेन याद रखना तो बेटा एक बार रोनल्ड वेन को एप्पल खाना था तो उसने कुक को बुलाया पर बेटा वो जो कुक आया ना वो कुक कुक नहीं था वो तो मिस्त्री निकला ठीक है वो मिस्त्री निकला तो इन्होंने क्या करवा लिया बस इतना ही याद रखो एप्पल आई एन सी एप्पल कंप्यूटर आई एन सी पहले नाम था तो भैया स्टीव स्टीव और रोनल्ड वेन को एक बार एप्पल खाना था तो एप्पल खाने के लिए उन्होंने कुक को बुलाया ठीक है कुक को बुलाया कैसे अपने फोन से बुलाया बेटा लेकिन फोन किसको लग गया मिस्त्री को फोन लग गया और मिस्त्री आ गया लुक्का मिस्त्री आ गया बेटा अच्छा मिस्त्री भी नहीं लुक का मिस्त्री आ गया बहुत अच्छा बन गया चलो भैया एप्पल को याद करना अब मुश्किल है ही नहीं बेटा 1977 में कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स स्टीव वुजनाइक और विंड मीटिंग कर रहे थे अचानक इनको भूख लगी ठीक है इनको भूख लगी तो इन्होंने कुक को बुलाया क्योंकि एप्पल की कंपनी तो भूख लगी तो इन्होंने कुक को बुलाया पर बेटा कुक को फोन नहीं लगा तो गलती से लुक्का मिस्त्री आ गया बड़े लुक्का मिस्त्री था ये लुक्का मिस्त्री आ गया नंबर वन बाय रेवेन्यू नंबर वन बाय एसेट सेकंड नंबर पे मोबाइल सेल करते हैं ठीक है शजैम ऐप याद रख लेना बस इसके बाद लास्ट कंपनी करेंगे तो मिस्त्री कैसे निकला बेटा लुक का निकला मिस्त्री ने खाना जला दिया चलो तो ये भी एक तैयार हो गई बेटा एक बार लास्ट इसको रिपीट कर लेते स्टीव स्टीव हैं तो भूख लगी तो इन्होंने किसको कॉल किया एप्पल क्या कर सकता कॉल करता कॉल किया किसको कुक को टिम को पर आग कौन गया लुक्का मिस्त्री आ गया ठीक है फिर नंबर वन बाय रेवेन्यू नंबर वन बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर सर फॉर द फाउंडर हाउ इज इट सर सर फॉर द फाउंडर हाउ इज इट नहीं समझा बेटा हाँ खाए एप्पल के पीछे की स्टोरी तुम भी बड़े मौज कर देते हो बेटा लास्ट छोटी सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं मैडम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन दो साल पहले बिल्कुल आपको पता है स्टीव जॉब के दो साल पहले 1975 में आई और इंडिया में 1990 में आ गई इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन वो कैलिफोर्निया या वॉशिंगटन इसको बनाने वाले दो लोग हैं आपसे बिलगेट्स के बारे में जानते हो पर पॉल एलन भी है चेयरमैन है जॉन थॉम्सन सीओ कौन है सत्यन देला और सी है एमी हुड एमी हुड सेकेंड नंबर की कंपनी और फोर्थ अपने ट्वेंटी फर्स्ट ठीक है तो भैया में वर्ल्ड में आई 1990 में इंडिया में आ गई वॉशिंगटन के अंदर कंपनी पॉल एलन एंड बिल गेट्स ये तो आपको पता ही है जॉन थॉम्पसन एमी एमीहुड ठीक है अब बात करते बेटा इसने क्या किया है आप जानते हैं इसने सॉफ्टवेयर बनाया और कुछ कंपनीज को अक्वायर किया इट डेवलप मैन्युफैक्चर लाइसेंस सपोर्ट एंड सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो विंडोज ऑपरेटिंग है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्विस नोन वेल नोन फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस सूट इंटरनेट एक्सप्लोर एच वेब ब्राउजर बेटा इसकी जो सबसे बड़ी सक्सेस थी वो एम एस डॉस था 1980s में इसने इसने अपना परचम लहरा दिया चारों तरफ MS -DOS के के थ्रू, है है, बेटा, Nokia IC का है, का क्लाउड प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया।, किया बेटा केपीएमजी आज इसकी सर्विस ले रही है केपीएमजी ने इन्वेस्ट किया है पांच बिलियन डॉलर ताकि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि ऑटोमेटिकली ऑडिट हो जाए मजाक नहीं है KPMG ने पांच बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं किसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ताकि ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जाए कि हमें ऑडिटर्स की जरूरत ना पड़े ठीक है सर ये क्या चाहते हैं टू हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल ये चाहते हैं कि बिजनेस हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से फुल पोटेंशियल पे काम करें और टू एंपावर एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट बेटा प्लान का हर एक पर्सन एम्पावर हो जाए एप्पल का बाइट कंप्यूटर का बाइट रिप्रजेंट करता है अच्छा ऑटोमेटिकली ओके कहाँ से याद आता रहे तुमको आइए पढ़ते हैं बेटा माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 1990 फाइव नाइनटीन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स फाउंडर पॉल एलन एंड बिल गेट्स चेयरमैन कौन है बेटा जॉन सीईओ कौन है सत्या सी कौन है एमी जॉन सत्या एम

अब सुनना बेटा एक एक अमेंडमेंट है जो जा चुकी है ठीक है बीट्स बीट्स को किसने एक्वायर किया था एप्पल ने किया था बीट्स को किया था एक्वायर एप्पल ने आपकी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिखेगा बट मैं आपको बता दूं अब ये क्वेश्चन नहीं है अब ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया तो आपकी मॉड्यूल में तो दिखेगा लेकिन अब चेंज हो चुका है तो बीट्स को किसने एक्वायर किया था एप्पल ने अब ऐसा ही है बेटा अब ऐसा ही है चलिए आज हमने कितनी कंपनी करी सर एप्पल करी माइक्रोसॉफ्ट करी विप्रो करी इन्फोसिस करी सिप्ला करी डॉक्टर एडी करी सर हमने पिछले 50 मिनट में छह कंपनीज कर ली यानी लेस देन टेन मिनट्स हमारा एवरेज है अब हम इसी के सारे क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे हाँ मैंने इसीलिए केपीएमजी छोड़ दिया एक मिनट मैं डाउनलोड कर रहा हूं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया मेरा जीवन कागज कोरा ही रह गया जो लिखा था आसू में बह गया मेरा जीवन कोरा कागज रह गया क्या हुआ सर इतने दुखी क्यों हो सर आपने ताना ताया क्या नहीं सर ने तुम्हारे तर ने ताना नहीं ताया ऐसे बेटा एक मिनट एक मिनट आयो लोक्का मिस्त्र किधर गया, गया? मिस्त्र लोक्का बन गया बच्चो आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाओ मैं यहां के क्वेश्चंस और तुम दोगे आंसर कल के भी क्वेश्चंस का लो भैया मौज कर दी लो भैया मौज कर दी तो हु इज हम वापस से करेंगे कल के क्वेश्चन भी वापस करेंगे बेटा हमने पांच प्लस पांच प्लस छ बोले तो सोलह कंपनीज कवर कर ली तीन दिन में वन थर्ड सिलेबस हमने कवर कर लिया अब हम कल की और आज की कंपनी सब करेंगे चलिए सर शुरू करते हैं हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एच डी एफ सी बेटा एच डी एफ सी के चेयरमैन कौन दीपक पारेख तो आप लिखो ऐसे सर क्वेश्चन नंबर वन ए क्योंकि अपने इसमें लैग है ना बेटा अपने इसमें लैग है इसलिए तुम लिखना अच्छा रिलायंस अपन ने किया नहीं है अच्छा विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ बताओ क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या है डॉक्टर रेड्डी लुपिन सिप्ला सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलो ना सर ये तो बहुत सिंपल है पहली बात तो देखो सर लुपिन पढ़ा नहीं और सन फार्मा पढ़ा नहीं। तो सर टू का आंसर क्या है टू का आंसर इज सी हाँ थ्री थ्री का आंसर इज सी वेरी गुड सर ये पढ़ा नहीं हमने आईटीसी पढ़ा नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था सिक्स का आंसर दीजिए सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक बोलते थे तो सिक्स का सी अच्छा जयेश मर्चेंट नहीं है अभी जयेश मर्चेंट की जगह जे आर क्या नाम है कौन से स्वामी है वो जे आर, आर जे जय मुरगे किसके हैं साहब मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था 1942 के अंदर गोकुल सोसाइटी गंदी हो गई थी तो चंपकलाल के तीन दोस्त चिमनलाल सूर्यकांत और अरविंद पेंट करवाना चाहते थे दो लोगों की परमिशन जरूरत थी कमिटी मेंबर के एक पोपटलाल जो सिंगल है और एक साउथ इंडियन जो जे आर जो आयर जे आर जय आर जे जय तो ए अच्छा विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी विप्रो विप्रो किसको बिलोंग करता है बेटा फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स डायवर्सिफाइड मीडिया आई सॉफ्टवेयर बोलो बच्चो बोलो बच्चो ये सर एट का आंसर क्या है सर एट का आंसर है सर विप्रो है आईटी के अंदर तो आंसर इज डी वेरी गुड अच्छा सर नेस्ले का छोड़ दो वॉलमार्ट छोड़ दो हाँ सर विप्रो की स्थापना किसने करी थी अजीम जी प्रेम जी मोहम्मद जी प्रेम जी चंपक लाल चौकसी चिमन लाल चौकसी बोलो ना सर किसने करी थी सर सर मेरे को कुछ तो याद आ रहा है सर ये तो अपनी विप्रो है थैरी दिलाते किसान अमलनेर के किसान की एक बेटी थैरी जिसको प्यार था बेंगलोर के कैमल चलाने वाले जतिन से तो उसने क्या दिया उसको सनफ्लावर दिया इनके बीच में प्रेम था तो प्रेम जी पर पहले कौन से प्रेम जी मोहम्मद जी प्रेम जी तो भैया ट्वेल्थ का आंसर क्या है मुझे बोलो ना अरे मुझे बोलो सर ट्वेल्थ का आंसर इज बी लिखो ऐसे किसका आंसर दे रहा हूँ सर विमल नहीं हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है बेटा ये लो मौज कर दी सीईओ पूछा है यहां थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो क्यों क्योंकि बेटा ब्रायन तो नहीं है हमको पता है टिम कुक नहीं है पर बेटा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर नडेला भी है और एमी हुड भी है पर याद रखना एमी हुड सी है ओ नडेला सीईओ है तो ये था ट्रिक क्वेश्चन ए वेरी गुड बेटा बीट्स को किसने अक्वायर किया था अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है बेटा अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है पर फिर भी इन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया बीट्स को किसने अक्वायर किया था मैंने आपको बता दिया बीट्स को अक्वायर किया था किसने बोलो ना फिफ्टीन का अरे बीट्स को किसने अक्वायर किया था hmm. यस yes. बीट्स को अक्वायर किया था मैंने आपको बताया बेटा मेरे को फिफ्टींथ का आंसर दो आगे बढ़ो बेटा मैं वेट कर रहा हूँ सर बीट्स को अक्वायर किया था एप्पल ने लिखवाया था मैंने आगे फिर बेटा पेज ऐप किसका है आप सभी ने कल आंसर दे दिया था सर पेजैप एच डी का है फिर बेटा बजाज के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है राहुल बजाज राजीव बजाज जमुना लाल बजाज केविन पी डीसा बेटा केविन पी डीसा तो है ही नहीं इस कंपनी के जमुना लाल बजाज जी अब नहीं रहे राहुल बजाज और राजीव बजाज में चेयरमैन राहुल बजाज हैं तो सेवनटीन का आंसर ए है फटाफट आंसर दो बेटा फटाफट आंसर दो अच्छो बढ़े आगे आगे सर इसमें से बजाज का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है एवेंजर डिस्कवर स्प्लेंडर सिटी हंड्रेड तो भैया एटीन का आंसर दीजिए आप राजीव नहीं बेटा राहुल बजाज हैं तो एटीन में सर एवेंजर है डिस्कवर है स्पेलेंडूर नहीं है तो सी स्प्लेंडर फिर गेल नहीं पढ़ा बेटा फॉर्चून फाइव्रेड में नंबर वन कंपनी कौन सी ये नहीं पढ़ा हमने अदानी पोर्ट के बारे में पढ़ा है बेटा अदानी पोर्ट के सी कौन है बेटा इनके सी एफ ओ है दीपक माहेश्वरी माहेश्वरी दीपक माहेश्वरी तो यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा करण अदानी सीईओ है गोल्डमैन सैश पढ़ा नहीं हाँ ये मैंने पढ़ा है आपको बेटा नंबर सेकंड रैंकिंग किसकी है बेस्ट एम्प्लॉयर में बेस्ट इंप्लॉयर में सेकंड बेस्ट रैंकिंग किसकी है वर्ल्ड में ये आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन एक्सप्रेस वॉलमार्ट लार्सन एंड ट्यूब्रो यस दिस आंसर आई वांट फ्रॉम यू ट्वेंटी थ्री का आंसर मुझे आपसे चाहिए आई विल वेट यस वेरी गुड सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट फिर बेटा हमने गुड फूड गुड लाइफ तो पढ़ा ही नहीं अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में हिंदुस्तान में बिजनेस कब किया कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है नाइनटीन 1991, 1995, 1989 ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है वर्ल्ड में इसने अपनी स्थापना करी थी 1975 में माइक्रोसॉफ्ट ने 1977 में यप्पल ने करी थी लेकिन बेटा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कब आया ट्वेंटी का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सही देंगे यस वेरी गुड इट इज 1990 आंसर इज ए इंटेल पढ़ा नहीं बेटा फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट पढ़ा नहीं अच्छा एप्पल का पुराना नाम क्या था एप्पल कॉरपोरेशन एप्पल कंप्यूटर आई एन सी एप्पल आई टी सोल्यूशन एप्पल मैक आई एन सी बोलो अरे बोलो ना अरे तुम बोलते क्यों नहीं अरे तुम कुछ बोलो अरे बोलो ना ट्वेंटी एट का आंसर ट्वेंटी एट का आंसर इस एप्पल आई कंप्यूटर आई एन सी फिर बेटा सीईओ कौन है आईसीआईसीआई बैंक. बेटा आईसीआईसीआई बैंक के मैंने चेयरमैन को चतुर व्यक्ति रखा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो तो कभी किसी को बक्शे नहीं तो मैंने रखा संदीप बक्शे बेटा ट्वेंटी नाइन का आंसर है ए फटाफट देना इंडियन छोड़ दो पढ़ा नहीं अब तक हमने आईटीसी uh, पढ़ना बाकी है बेटा एल पढ़ना बाकी है पावर ग्रिड बाकी है पॉस्को बाकी है माय कस्टमर फर्स्ट किस बैंक का विजन है फर्स्ट फर्स्ट विजन किसका होगा जो फर्स्ट आया होगा और फर्स्ट कौन आया 1806 में आया सर एसबीआई तो आंसर इसे थर्टी फाइव अच्छा वॉट इज द ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एजव सिस्टम इन्फोसिस बेटा इंफोसिस का ऐसा कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो सब यूज करते हैं माना फिनेकल स्कावा पानाया बताओ माना फिनेकल स्कावा पानाया थर्टी सिक्स का आंसर मुझे आपसे चाहिए मुझे तेर से आंसर चाहिए बच्चे ओके एंड द करेक्ट आंसर इज बेटा फिनेकल यस इट इज पी फिनेकल आगे एनटीपीसी पढ़ा नहीं एफ ये पूरा हो जाने के बाद देखेंगे ये भी बाद में देखेंगे ओ बाद में देखेंगे पी बाद में देखेंगे टाटा देखना बाकी है बेटा ये वाला कल हमने देख लिया था एस वाला भी देख लिया था कि फोर्टीन नेशनलाइज बैंक नहीं थे उस समय अच्छा ये बताइए बेटा इसमें से कौन सी फॉरेन कंपनी नहीं है इसका आंसर आप दे सकते हो 45 का आंसर मुझे आपसे चाहिए आई वॉन्ट आंसर ऑफ 45 फाइव फ्रॉम यू Yes. हम जानते हैं डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद की कंपनी है वॉलमार्ट दो हजार बारह दो हजार तेरह के अंदर फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां है सिंगापुर के अंदर तो बेटा हमने फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन सॉल्व करे डिड यू रियलाइजी परसेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सोल्व किया बीस तो किया इस बीस में से एटलीस्ट आपके अठारह करेक्ट आ रहे हैं सिर्फ दो क्वेश्चन पे वर्क करना रहेगा इसका मतलब जितना है जितना पढ़ा है उसमें से सब आ रहा है जनरल नॉलेज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्यूमुलेटिव रिविजन से और भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगा ठीक है बच्चों तो चलिए जी आज के लिए इतना ही काफी है बची हुई कहानी कल कल हम पढ़ेंगे मोस्टली मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में ठीक है और फिर जो फ्राइडे को लेक्चर होगा उसके अंदर जो बची कुची कंपनीज है उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है चलो टिल देन बाय बाय टेक केयर और जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है ठीक है बेटा जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है सब्सक्रिप्शन ले लो बिंदास आदित्य सर हैं आपके साथ आप मुझे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अनअकेडमी की आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अन अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर मेरी प्रोफाइल सर्च करना मेरी प्रोफाइल है सी ए आदित्य शर्मा मेरी फोटो दिख जाएगी आपको पहचान जाओगे आप मुझे सी आदित्य शर्मा को फॉलो कर लीजिए और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बिंदास कोड यूज कर लीजिए सी ए ए डी आई टी वाई ए टेन सी आदित्य टेन कोड यूज कर लीजिए आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे टिल देन थैंक यू बाय बाय टाटा टेक केयर कीप शेयरिंग माई यूट्यूब शॉर्ट्स इट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू बाय बाय